So today is 5th September 2019, Thursday, expiry ka din, currently 12:24 ho raha hai. Dekh lete hain Nifty kya kar raha hai. Nifty morning mein gap up khulne ke baad, ek achhi rally, phir fall, aur yahan par continuous fall dikh raha hai. Fall dikhne ke baad, yahan par banane ke baad, ek support level se ye reverse hote hue dikh raha hai mujhe abhi. ट्रेंड अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ट्रेंड में है. ये जस्ट करेक्शन दिख रहा है मुझे. अब ये करेक्शन अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन करती है, विच इज़ दिस सपोर्ट, लाइक ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ, अगेन ये सपोर्ट की तरह आ रहा है. सो अगर यहाँ पर इसके नीचे निकलता है निफ्टी, देन ईजीली ये फिर 800-790 के लेवल पर आएगा. एंड फिर अगर इसको ब्रेक करता है देन ईजीली दिस लेवल. तो अभी ये शार्प जो फॉल आया हुआ है विदाउट करेक्शन, तो एक अच्छा मूव आना चाहिए. और आज एक्सपायरी है तो वन साइडेड मूव, ये काफ़ी अच्छा वन साइडेड मूव हो गया. सबको डरा के नीचे लेकर जाके सबका माल एग्जिट करवाया होगा. और अब यहाँ से फिर अगेन अपसाइड मूव आ रहा है. अब देखना ये कि कितना सस्टेन करता है ये लेवल. सो लेट्स सी कुछ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए यहाँ पर या नहीं. अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स यहाँ पर, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन करना पड़ेगा. थोड़ा उसको और ऊपर जाने देंगे, फिर रिट्रेस होगा, उसके बाद हम बाय करेंगे. तो उसमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने को ट्रेड फेवरेबल मिल जाएगा. डायरेक्टली यहाँ बाय करना सही नहीं रहेगा. सो लेट्स सी, लेट्स वेट. और ट्रेडर्स कोई कमेंट करते हैं कि लाइक आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया हुआ है कि आप स्टॉक्स पे अभी ट्रेड करना क्यों छोड़ दिया है. तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि मैं अभी फुल टाइम इंडेक्स ट्रेडर बन गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं स्टॉक्स भी ढूंढते रहता हूँ, स्टॉक्स भी सर्च करता हूँ, अगर मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी. अभी देखिए मार्केट ये कैसे चल रहा है, लाइक थोड़ा सा स्लो देन फास्ट, स्लो फास्ट ऐसे करते हुए मार्केट चल रहा है. जो लाइक एक्चुअल ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का, वो अभी तक क्लियरेंस नहीं है. हाँ, हम लोग गिर रहे हैं नीचे या कंटिन्यूस ऊपर जा रहे हैं. तो ऐसे समय में अगर हमको वॉलेटाइल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उस पर क्यों नहीं ग्रैस्प करें. ऐसा नहीं है कि मैं इन फ्यूचर स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ, अगर कोई मुझे स्टॉक्स दिखता है मैं ट्राई करता हूँ कि उस पर बाय या सेल कर सकूँ. बट अब एट प्रेजेंट मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस पे मुझे अच्छा ट्रेड सेटअप दिख जाता है, तो मैं उस चीज़ों को क्यों छोड़ूँ. और मेरा पैसा या नुकसान जल्दी हो जाता है. समय मेरा लाइक ज़्यादा समय मेरे पास पूरा दिन नहीं होता है मैं बैठ के ट्रेडिंग करूँ और स्क्रीन के ऊपर बैठा रहूँ बिकॉज ऑफ माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो और कंटेंट इसमें इनपुट डाल के मैं फ्री हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से. सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ फॉर माई ट्रेडिंग. इन फ्यूचर अगर मैं फुल टाइम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा तो मैं स्पेसिफिकली अनाउंस कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आज से मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग करना बंद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को फोकस कर रहा हूँ. और एट द एंड ऑफ द डे आपके जेब में जो पैसा आता है तो वो देख के नहीं आता कि स्टॉक्स में से कमाया आपने या निफ्टी या बैंक निफ्टी से. पैसा पैसा रहता है जहां से भी आप चाहिए बनाइए. सो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर मैं कुछ ट्रेड सेटअप में जो दिखता है, लाइक अभी ब्रेकआउट दिख रहा है, बट मैं फिलहाल यहां पर बाय नहीं करूंगा. कंफर्मेशन आने दीजिए, थोड़ा सा उसको ऊपर जाने दीजिए, किस स्पीड में ऊपर जा रहा है, ये सब चीजें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और मार्केट को टाइम देना पड़ेगा. करंटली 12:28 हुआ है, 12:30 बज चुके हैं, अपने पास टाइम है, अराउंड 2 आवर्स, 2.5 आवर्स अपने पास है, हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं. सो थोड़ा सा सोच समझ के अपने को काम करना है. स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ. ट्रेडर्स करंटली टाइम हो चुका है 2:03 और अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली हुई है. रीज़न बिहाइंड, आज सबसे पहले चीज़ एक्सपायरी है. एक्सपायरी के बाद देखिए ये जो मूव आया हुआ है और उसके बाद सडनली फिर डाउन साइड मूव आया हुआ है, तो ये क्लियर हमको बता रहा है कि बॉस आज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है. सो वी नीड टू बी कॉशियस, लाइक ट्रेड बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा. एक ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पर अब दिख रहा है, देखिए उसके बाद ये फॉल होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर. सो दो लॉट शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग. अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे यहाँ पर. दो लॉट 836 857 which will be around okay. तीन लॉट शॉर्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर.
30 points, दैट मीन्स यहाँ से नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दो लॉट ही शॉर्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। करंट रेट चल रहा है 65-66, ओके दो लॉट शॉर्ट कर दिया हमने यहाँ पर 63 के भाव पे। सो लेट्स सी, करंटली 600 का लॉस चल रहा है हमारा यहाँ पर, 765 का लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं, अराउंड ये लेवल के आसपास देख लेंगे एक बार स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब हम लोग अराउंड ये लेवल के आसपास, विच इज दिस 800 के आसपास देखते हैं ट्रेडर्स। करंटली 1200 का लॉस चल रहा है अपना यहाँ पर दो लॉट के हिसाब से, 1590 का लॉस चल रहा है, 860 के हिसाब से निफ्टी का फ्यूचर विच इज दिस, 894 का हो जाएगा, 895 अराउंड, 895 पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं विच विल बी 30 points, 4500 के आसपास अपनी रिस्क होगी ट्रेडर्स। सो इसको 85 या 80 के आसपास आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं 85 के आसपास आएगा ऊपर तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे। तब तक वेट करते हैं कैसे मोमेंटम करता है ये अभी नेक्स्ट, लेट्स सी। 64-65 ट्रेडर्स करंटली नीचे आया हुआ है, 400-200 का लॉस चल रहा है, अराउंड अपने कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है ये अभी। सो लेट्स सी, 82-83 तक ऊपर गया हुआ था, स्टॉप लॉस 85 के बाद ही लगाएंगे हम, और नीचे में अगर ये 60 को ब्रेक करता है देन वी आर गोइंग टू कीप अवर टारगेट ऑल्सो। सो लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर्स। एक्सट्रीम वॉलेटाइल चल रहा है आज के दिन पे, बैंक निफ्टी और निफ्टी एज ऑफ लाइक आज एक्सपायरी है तो उस हिसाब से आ गया ट्रेडर्स ये नीचे फाइनली अपने कॉस्ट के आसपास। 60 को ब्रेक करेगा ट्रेडर्स तो उसके बाद हम अपना टारगेट सेट करेंगे, वेट करना पड़ेगा। ऑल राइट ट्रेडर्स, करंटली 1200-1500 का लॉस चल रहा है, स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड आती है। सो ट्रेडर्स, निफ्टी में वन साइडेड मूव आ चुका है अपसाइड एंड करंटली अपना 3600-4000 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस चल रहा है। सो आई थिंक दिस इज अवर नियर टू स्टॉप लॉस एट दिस लेवल 9854, थोड़ा सा गैप देके 898 का लगा देते हैं स्टॉप लॉस अपना। अवर एग्जिट विल बी 898, इससे ज़्यादा सेंस नहीं बनता है देना मार्केट को, और दो लॉट लेना लाइक प्रॉपर डिसीजन था अपना, नो इश्यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट है कभी कभार हो जाता है वॉलेटाइल और डायरेक्ट अपसाइड मूव, ये ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस के करीब आ चुका है और ये एग्जिट हो गया है 898 पे, अपना एग्जिट हो गया है। 5250 का ट्रेडर्स यहाँ पर अपना आज के दिन पे लॉस हो चुका है एंड ये वन साइडेड मूव निफ्टी का काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है आज के दिन पे, इजीली नीचे आना चाहिए था, नीचे की तरफ आया भी हुआ था बट वहाँ से अगेन रिवर्सल और ये अपसाइड मूव, लाइक आज का दिन अगर आप बोल सकते हो अपसाइड एंड डाउनसाइड, देखिए ये बॉटम और ये टॉप और ऑलमोस्ट 1429 के आसपास हम लोग आ चुके हैं, तो लाइक इट्स अ क्लियर व्यू कि बॉस यहाँ पर प्रीमियम ईटिंग का ही प्योर काम चल रहा है। सो डेट्स अ मेजर रीजन और उस हिसाब से अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस ये लेकर गया, हिट हो गया अपना क्लियर स्टॉप लॉस 5250 का आज का अपना लॉस है। और होपफुली लाइक जैसे अपोलो हॉस्पिटल का लाइक सबसे हाईएस्ट था, ये सेकंड हाईएस्ट आज का अपना लॉस हो चुका है आज के दिन पे। वी नीड टू एक्सेप्ट, कोई इशू की बात नहीं है, लाइक वैसे 3500 के आसपास होता है, आज थर्सडे है, आई एम गोइंग टू स्किप माय फ्राइडे सेशन
करेंगे, ट्यूसडे को अगेन हॉलीडे है, सो आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई ट्रेडिंग फ्रॉम थर्सडे. लाइक एक हफ्ते का मैं प्योर गैप ले लेता हूँ कि इस दिन पे आज मेरा लॉस हुआ है, आई नीड टू रीबाउंड अगेन. एक बार थोड़ा सा काम माइंडली मेरे को काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा उसके बाद. सो टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 5 दिन 6 दिन कंटिन्यूस मेरे वीडियोस नहीं आएंगे. आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 6 डेज 5 डेज के लिए ब्रेक लूंगा. नेक्स्ट एक्चुअली मेरे को इतने दिन की ब्रेक नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं. बट द इशू इज मंडे एंड वेडनेसडे को मेरा लाइव सेशन है, लाइव ट्रेडिंग सेशन है विथ माई वन ऑन वन सेशन के क्लाइंट के हिसाब से. तो उस हिसाब से आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई ट्रेडिंग फ्रॉम थर्सडे. So that's it for today. Thanks for watching. We'll see you in the next video.